हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिविटी एंड गार्डन चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ और ये आप बेबी स्वेटर, बेबी कॉर्डिगन, बेबी फ्रॉक में और बेबी कैप में भी डाल सकते हैं। ये मैंने 3 साल पहले बेबी कैप में डाला था और ये देखिए कितना सुंदर लगता है। इसको बनाने के लिए मैंने 25 फंदे लिए हैं और 6-6 सिलाइयों का गैप लिया है। ये इस जो के फ्लावर बनाने हैं, इसके लिए आप कोई भी कलर ले सकते हैं। बड़ों के लिए एक कलर ही ठीक रहेगा। तो लीजिए शुरू करते हैं। ये हम जो पहली सिलाई है रेड कलर से पूरी सिलाई सीधी डालेंगे। पहला फंदा सीधा और ऐसे ही सारी सिलाई सीधी डालेंगे। पूरी सिलाई ऐसे ही सीधी डालनी है। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब ये डिज़ाइन उल्टी साइड से शुरू होगा। ये जो पहला फंदा है हमने सीधा बुनना है और फिर जो नेक्स्ट 5 फंदों का डिज़ाइन है, पहला फंदा हमने 2 बार धागा लपेट कर बुनना है, दूसरा भी 2 बार धागा लपेटेंगे और तीसरा, चौथा, ऐसे 5 फंदे 2 बार धागा लपेट कर बुन लेंगे। और जो उसके बाद वाला फंदा है वो सिंपल ही बुनना है सीधा। फिर हम 2 बार धागा लपेटेंगे, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही धागा लपेट कर 5 फंदे कंप्लीट कर लेंगे। और जो नेक्स्ट फंदा है वो ऐसे ही सीधा बुनेंगे। 5 फंदे बुनने हैं हमने, ये सीधा बुनना है और फिर 5 फंदे धागा लपेट कर बुनने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये फंदा सीधा बुनना है और ये भी ऐसे ही 5 फंदे 2 बार धागा लपेट कर एक एक कर बुनना है। ऐसे ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आगे सेकंड रो में भी डिज़ाइन पड़ेगा। ये जो पहला फंदा है वो हमने उल्टा बुनना है, धागा पीछे, फंदे खोलेंगे, इस सिलाई में डालेंगे, 5 फंदे हमने सिलाई में डाल लेने हैं, धागा आगे, फिर 5 फंदे इस सिलाई में डालने हैं, धागा पीछे, फंदे इस सिलाई में डालेंगे,
धागा आगे, फिर फंदे इस सिलाई में डालेंगे, धागा पीछे, दो बार धागा लपेटना है ना इसलिए। तो ये धागा आगे करके एक फंदा उल्टा बुनना है, अब धागा पीछे, फंदे खोलेंगे, पांचों इस सिलाई में डालेंगे, धागा आगे करेंगे, धागा लपेटेंगे, फंदे इस सिलाई में डालेंगे, धागा पीछे, फिर फंदे इस सिलाई में डालेंगे और फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, पांच फंदे, फिर इसे ही खोलेंगे और इस सिलाई में डालेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर फंदे इस सिलाई में डालेंगे, धागा लपेट कर पीछे करेंगे, धागा आगे, एक बार दोबारा लपेटेंगे, फंदे इस सिलाई में डालकर एक फंदा उल्टा और फिर पांच फंदे ऐसे ही हम खोलकर डिज़ाइन डालेंगे, चार पांच, धागा अपनी तरफ, फंदे इस सिलाई में डालेंगे, धागा लपेटेंगे, धागा पीछे करेंगे, फंदे इस सिलाई में डालेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, तो ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब इस ये डिज़ाइन ऐसे ही चलता रहेगा। ये अब हमने जो ये सिलाई है वो पूरी ही सीधी डालनी है, जो उल्टा फंदा बना था वो भी सीधा डालना है, ऐसे पूरी सिलाई हमने सीधी डालनी है, ये भी सीधा डालना है और ये पांच फंदे एक एक कर सीधे बुनते चले जाना है। ये भी सीधा बुनना है और सारी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट करनी है। ये हमारा डिज़ाइन ऐसे ही ये पांच फंदों के बाद कंप्लीट हो जाएगा। पांच फंदे ये भी बुन लेने हैं। तो लीजिए हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, ये ऐसे ही चलता जाएगा। अब नेक्स्ट है जो वो येलो कलर से हम शुरू करेंगे और
जितना भी बनाना चाहें बना सकते हैं। अब एक सिलाई येलो कलर से डालकर बताती हूँ, और 6 सिलाइयों के बाद फिर यही फ्लावर डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। ये देखिए हमने सिलाई डाल ली है और डिज़ाइन कंप्लीट। और ये देखिए कितना अच्छा लगता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।